नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दिलीप मुलेवा है और मैं आज हमारे किसान भाई के यहाँ पर आया हूँ। आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा और उन किसान भाइयों से ही आपकी रूबरू चर्चा भी करवाऊँगा। उन्होंने अपने सोयाबीन के खेत में एफ्सा 80 का उपयोग किया था और उनको जो रिजल्ट मिले हैं और उसके बाद में उन्होंने किस किस माध्यम से वो इस एफ्सा 80 का उपयोग करते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो में पूरे वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी आपको आज सोयाबीन पर बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है। आज मैं आपको जो मुलेवा जी ने बताया है एफ्सा 80 के बारे में, मैं उनकी उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। किसान साथियों, मैं इस एफ्सा 80 MA कंपनी का जो आता है उसे मैं करीब 2014 से यूज़ कर रहा हूँ। मैं हर्बिसाइड में मिलाता हूँ जो खरपतवार नाशक आता है सोयाबीन में, और अन्य फसलों में भी उसका यूज़ करता हूँ। और किसान साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि वह हर दवाई का पावर बढ़ाती है। जो कंपनी बोलती है वही दवाई आप यूज़ करिए, उतना ही दवाई डालिए मगर उसमें एफ्सा 80 का प्रयोग कर लीजिए। उससे क्या है कि आपकी दवाई की पावर बढ़ेगी, आपको एक्स्ट्रा दवाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कंपनी बोलती है 50 ग्राम डालिए, आप उसमें 70 ग्राम डाल के न स्प्रे कर रहे थे, वो आप मत करिए। उसकी जगह आप उस कौन सी भी दवाई में आप MBA का एफ्सा 80 यूज़ करिए, उसमें ऑलरेडी दवाई का पावर बढ़ जाएगा और अच्छे से फैल जाएगी और अच्छे से उसका काम करेगी वो दवाई। और आप देख सकते हैं मैंने खाद इस सोयाबीन में ये डाला था DAP। देखिए ये इसमें मैंने MBA का एफ्सा 80 यूज़ किया था, जो DAP के दाने बिल्कुल गल चुके हैं, मतलब ये पूरा इसका हो गया है। अगर आप अपन नहीं डालते हैं, आप खुद अपने आपके खेत में देखिएगा, मैंने इसको अभी डाले ने 12-13 घंटे हुए हैं, इसको खेत में डाले हुए पूरा ख़त्म हो गया है। अगर आप डाल के देखिएगा बिना MBA एफ्सा 80 का मिक्स करे हुए, इसका दाना ख़त्म नहीं होगा, मतलब 24 घंटे तक इसका दाना ख़त्म नहीं होता है। बाकी इसमें देखिए पूरा गल चुका है, मतलब पूरा फसल को लग चुका है। और इससे जो DAP अपना भरपूर और फसल को लग नहीं पाता है, ये MBA की एफ्सा 80 यूज़ करने से पूरा खाद फसल को मिल सकेगा। और अन्य भी जो खाद पोषण ज़मीन में, वह भी एफ्सा 80 फसल को मिलता एफ्सा 80 से फसल को मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।